हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का मूल प्रभाव, इन लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था। कंसंट्रेशन में मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, मूल प्रभाव। मूल प्रभाव से मतलब होता है, प्रभाव में क्या होता है, मूल प्रभाव भी कहते हैं, मूल भिन्नांग भी कहते हैं। मोल भिन्नांक से मतलब होता है जो दशमलव में आ जाता है, भिन्न में आ जाता है, वह मोल प्रभाव होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित है किसी एक घटक, एक घटक से मतलब है विलय या विलाय, एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। मोल प्रभाव को कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं, है ना। तो किसी विलयन में उपस्थित एक घटक से मतलब है विलेय या विलाय, एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। मोल प्रभाव कहते हैं इसे एक्स से दर्शाते हैं किसी एक घटक के मोलों की संख्या, है ना। तो यहां देखें, यदि विलेय के मोलों की संख्या एनपी तथा विलायक के मोलों की संख्या एलए है ना, तो किसी का भी आप निकालो, विलेय का मोल प्रभाज अब चूंकि विलेय है तो विलेय को हम यहाँ पर बी से दर्शाते हैं, अब विलाय को ए से दर्शाते हैं। तो एक्स ए एक्स बी विलेय के लिए तो बी हो जाए इक्वल टू एन ए एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार विलायक के मोल प्रभाव का मोल प्रभाव एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखिए यहाँ दिया है, किसी के लिए उपस्थित एक घटक में विलेय का ले लेते, विलेय का आकार विधायक का तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक मतलब विलेय और विलायक के मोलों की संख्याओं का योग, कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाव कहलाता है। तो एन बी यदि एक्स बी
ठीक होगा, ये विलय के लिए दिए हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए ये यदि हम एक्स के प्लस एक्स बी जोड़ देंगे तो हमेशा वन आर एक्स बी प्लस एक्स ए जोड़ देंगे तो ये हमेशा एक आर। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं, है ना, समझ रहे जी, न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं, इसके बाद जो है सो हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें अब चूंकि मोलों की संख्या है तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान प्रत्यान द्रव्यमान होता है ना, तो ये आपको इसमें उपयोग में रहता है। अब देखिए 90 ग्राम NaOH क्वेश्चन है, 90 ग्राम NaOH 4 ग्राम जल में घुला है, घुला है, तो NaOH का मोल प्रभार ज्ञात करें, मोल प्रभार ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले विलेय और विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो विलेय क्या है आपका NaOH है, ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या Nb इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, बी दिए हैं तो बी कर दिए वहां का, यहाँ भी बी कर दिए आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अब इसको अब कितने ग्राम दिया है, तो विलेय का 40 ग्राम है, 90 ग्राम है, और इसके जो आणविक द्रव्यमान होता है, चूंकि विलेय क्या है NaOH है, तो NaOH का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह कितने होता है, 40 होता है, ठीक है। NaOH के 4 ग्राम, 90 ग्राम जल में, क्वेश्चन आपका थोड़ा सुना लीजिए, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH होगा, तो यहां हो जाएगा आपका 4/90, ठीक है, 4/40 1/10 0.1। इसी तरह है H2O विलायक के मोलों की संख्या Na इक्वल टू Wa अपॉन Ma, तो जल का कितने ग्राम दिया है, 90 ग्राम दिया है, तो 90 बटे और जल का होता है 18/90 बराबर 5, बराबर 5 निकल गया। अब हम विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या लिए हैं, तो NaOH है, तो यहाँ NaOH है ना, NaOH का मोल प्रभाव Nb कितने निकाल दिए, तो Nb निकाले यहाँ 0.1 अपॉन Na प्लस Nb जो जोड़ेंगे दोनों को ऐड करेंगे, 100 और 100 ऐड करेंगे तो 5.1 आएगा, तो 1/51 आ जाएगा, है ना, जिसका आता है 0.019। इसी तरह यदि हम
इक्वल टू आपके पहले कितने दिया है 5 और यहां 51 आ रहा है, 50 अपॉन इसे 51 हो, तो इसका आ रहा 0.981 0.981। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे x a प्लस x b हो जाएगा, तो ये निश्चित रूप से 1 आ जाएगा, है ना। 9 1 10 और 1 और 8 9 10 हो जाएगा, और 9 1 10 इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो 1.0 आ रहा है, तो आपका ये कैलकुलेशन सही है। अब हम लोग मोल प्रभाज के बाद हम लोग ppm पर थे, पास प्रति मिलियन, है ना। पास प्रति मिलियन होता है किसी बिलियन की, मिलियन से मतलब है 10 लाख, किसी बिलियन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, है ना। तो ppm जो होता है, ppm क्या होता है, पास प्रति मिलियन, किसी बिलियन के पार्ट प्रति मिलियन में होता है 10 लाख, है ना। शॉर्ट में कह देते हैं ppm, किसी बिलियन के बिलियन के 10 लाख मतलब 10^6 भार भागों में विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या ppm में सांद्रता कहलाता है, है ना। तो ppm इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान, ppm इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान, यह भी ग्राम में इंटू 10^6, यह आपका फार्मूला हो जाएगा, है ना। इस फार्मूले पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 1000 ग्राम बिलियन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, CaCO3 घुला है ppm में सांद्रता क्या है, सांद्रता ज्ञात है, इसको क्या करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में बदल देंगे, तो ग्राम में बदलेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, है ना। तो 100/1000, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 आ, है ना, 0.1 ये आपका ग्राम में आप चेंज हो जाएगा, या ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ppm बढ़ाता है कितने ग्राम घुला है, इसको तो 100 है, तो 100 बटे यह आप 1000 करोगे, ये 1000, ठीक है। अब उन्हें कह रहा है क्या कि जो 1000 ग्राम मिलियन का द्रव्यमान, 1000 ग्राम आप इंटू 10^6 हो जाएगा, तो
इंटू टेन टू दावर सिक्स, यहाँ पे टेन टू दावर सिक्स हो जाएगा, इसके कितने हो जाएंगे 100। भैया आपके पीपीएम में सांद्रता 100 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम आप देखें, इस यह चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज था, है ना। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, इसमें हम लोगों को पांच, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा आपका हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। चौथा हो जाएगा आपका ये दूसरा का नियम, और पांचवा जो आपके बुक में दिया है आओ गैरो नियम, आओ गैरो नियम, है ना। पांचवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैर विषायक का नियम और अव्यवहारो का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग देखते हैं पहले, है ना। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में होता है किसी भी रासायनिक परिवर्तन में, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में उसके कुल द्रव्यमानों का योग परिवर्तन के बाद बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमानों का योग दोनों बराबर होता है, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान उसकी संरक्षित रहती है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप ये हम कह सकते हैं जो कोई पदार्थ न उत्पन्न होता है न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान संचय है तथा परिवर्तन के बाद बनने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान बराबर होता है ना। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, है ना। अब देखिए ये क्या करते हैं, फ्लास्क में मोल पेंटिंग के फ्लास्क में क्या करते हैं, यहाँ पर देता डाल देते हैं, ठीक है, और इसमें फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाल दिए, इसके डाल दिए फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाल दिए और इसको बढ़िया से बंद कर दिए और इसको तौल लिए। तौलने के बाद इसको क्या करते हैं, तार की जाल
की दाढ़ी पर रख के क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो फास्फोरस जो है वायु की उपस्थिति में P2O5 बना लेता है, फास्फोरस बनता है, ऑक्साइड बना लेता है। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो फिर इसे हम तौलते हैं। तो तौलने पर हम जब देखते हैं कि ये दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, तो दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। और दूसरा है लैंडोल्ट का नियम, दूसरा है लैंडोल्ट का प्रयोग है, लैंडोल्ट का प्रयोग जिसमें एच आकार का क्या होता है कि एच आकार एच आकार का उपकरण होता है, जैसे हम कह सकते हैं लैंडोल्ट उपकरण ही कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों जुड़ा होता है, एच आकार का है जुड़ा है, तो इसको हम क्या करते हैं इसमें कि एक में AgNO3 का विलयन रख देते हैं और दूसरे में NaCl का विलयन रख देते हैं, और ये विलयन है और इसको बढ़िया से ऊपर नीचे करके हिला देते हैं, है ना। अरे इससे पहले क्या करते हैं ना, करके इसको तौलते हैं, और तौलने के बाद इसको ऊपर नीचे करके बढ़िया से हिला देते हैं। हिला देते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात जो इसके जो द्रव्यमान होते हैं वह दोनों के बराबर होते हैं, फिर इसे हम तौलते हैं। तो तौलने के बाद दोनों का द्रव्यमान, मतलब मिलाने से पहले का द्रव्यमान और मिलाने के बाद का जो द्रव्यमान होता है वह बराबर होता है। तो यह जो आपका AgNO3 प्लस NaCl तो समीकरण बनता ही है, तो AgCl प्लस NaNO3 बनता है ना। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, ठीक है। अब अगले दिन हम आपको रह गया है वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ओके।